नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षिता और आप सभी का मेरे चैनल कुक विद हर्षिता पे स्वागत है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठंडियों के मौसम में अगर आपको तरह तरह के और गर्मा गर्म पराठे मिल रहे हैं तो इसका क्या कहना। तो बस आज ऐसी ही एक रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो है बीटरूट और गाजर के पराठे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बीटरूट और गाजर के पराठे बता रही हूँ और यकीन मानिए ये जितने हेल्दी हैं उतने ही टेस्टी बनते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बीट ले लिया है और एक गाजर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम छील लेंगे और फिर हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्रेट करके इसका जो पानी है वो निकाल लिया है। ये देखिए, इसका जो जूस है मैंने इसे निकाल लिया है। इसी से हम आटा बांधेंगे। तो सबसे पहले हम आटा बांधते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी जो गेहूं का आटा है वो लिया है। अब इसमें हम लगभग 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल ऐड करने से जो पराठे हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। तो तेल ऐड करके हम पहले इस तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे आटे में। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जूस निकाल के रखा है बीटरूट और गाजर का, उसे हम ऐड करेंगे धीरे धीरे और इस आटे को बांधेंगे। तो इस तरह से हमें इस जूस को ऐड करना है और आटे को बांधना है और फिर ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर बांधेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने इस जूस में मतलब जो ग्रेटेड कैरेट और बीट है इसमें से लगभग 1 बाउल ही जूस निकला था, तो उसको मैंने पूरा यहाँ पे ऐड कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके हम एक सख्त आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जो आटा है उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो इसी कलर की वजह से जो हमारा पराठा है वो काफ़ी सुंदर लगेगा और बच्चों को ये खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा तैयार है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे ऊपर और वापस से इसको 2-5 मिनट मसल लेंगे और फिर इस पर ढक्कन लगाकर इसको 10 मिनट्स का रेस्ट दे देंगे। अब हम तैयारी कर लेते हैं हमारे स्टफिंग की। तो एक बॉल में जो हमने कैरेट है जो गाजर है उसको ग्रेट करके रखा था वो ऐड करेंगे और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे बीटरूट जिसे हमने ग्रेट करके जो जूस है इसका निकाल लिया था वो। तो ये दोनों चीज़ें तो हमने इसमें ऐड कर ली। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 टीस्पून के करीब अजवाइन। तो अजवाइन हमने हाथों में इस तरह से ले लिया है, इसको अच्छे से हम मसल लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ इसमें लगभग 1 जो हरी मिर्च है उसको इस तरह से कट करके ऐड कर लेंगे। साथ ही अदरक है उसको भी हमने छोटा छोटा करके इसमें ऐड किया है। अब हम ऐड करेंगे लगभग 1 टेबलस्पून के करीब जो चाट मसाला है वो। तो चाट मसाला ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार जो नमक है वो ऐड करेंगे। तो ये चीज़ जो स्टफिंग है ये हम लास्ट में ही बना रहे हैं क्योंकि नमक ऐड करने से जो बीटरूट और कैरेट है वो और पानी छोड़ेगा। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ धनिया और इसे डाल के भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के अंदर हमारा जो स्टफिंग है वो एकदम रेडी है पराठे के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टफिंग एकदम रेडी है। दस मिनट हो चुके हैं और हमारा जो आटा है वो भी एकदम रेडी है। तो बस अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो रोटी जो पराठा है उसके लिए इस तरह से हम बॉल तैयार कर लेंगे। तो पराठा या मतलब जो पराठा है वो आपने अपने हिसाब से आप ले सकते हैं कि हमको कितनी बड़ी साइज़ का या कितनी छोटी साइज़ का बनाना है। तो यहाँ पे मैंने जो थोड़ा सा सूखा आटा लिया है और इसे लेके हम पहले तो एक रोटी बेल लेंगे। तो इस तरह से हमें रोटी बेल लेनी है। आप अपने हिसाब से जो पराठा है उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पर जो गोल पराठा है वो आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो हमारी जो रोटी है वो बिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, बीचों बीच जो स्टफिंग है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये देखिए आप, तो स्टफिंग हम इस पर ले लेते हैं
और स्टफिंग इस पर रख कर अब जो रोटी है उसको चारों ओर से जिस तरह से हम पराठा करते हैं तो बस उसी तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए हमारा जो पराठा है ये हमने फोल्ड कर दिया है और बस अब हम इसे बड़े ही हल्के हाथों से पहले तो थोड़ा प्रेस करना है और फिर बेलन की मदद से थोड़ा सा सूखा आटा लेकर हम इसे बेल लेंगे। तो हमारा जो परांठा है वो बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा तवा है उसे भी हमने गैस पे रख दिया है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा तेल ऐड किया है और इसको हम तवे पे चारों ओर फैला लेंगे। और अब हम इस पे रखेंगे हमारे परांठे को। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो गैस है मैंने उसको मीडियम फ्लेम पे रखा है क्योंकि हमारा पराठा जलना नहीं चाहिए। तो बहुत ही आराम से हमको हमारे पराठे को सेकना है दोनों तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पराठा है वो एक तरफ से ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। तो हम पराठे को हमने पलट लिया है, अब हम दूसरी तरफ भी थोड़ा सा जो तेल है वो ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी पराठा है, तो यहाँ पे मैं तेल ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप अपने आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तेल के बदले आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी यूज़ करने से हमारा वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ पे इसी तरह से आप घी इस्तेमाल करें और अपना वेट लॉस करें फटाफट से। तो है ना कितनी अच्छी रेसिपी। तो बस इसी तरह से हमें इसको दोनों तरफ से पकाना है और ये बस 2 मिनट के अंदर जो पराठा है वो तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से हम जो बाकी पराठे हैं उनको भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी ये पक चुका है, तो इसी तरह से हम पलटते पलटते इसको पका लेंगे। तो हमारे दोनों जो परांठे हैं वो अच्छे से एकदम कुक हो चुके हैं। मैं आपको इसे काट के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितना सुपर्ब लग रहा है। ये देखिए इसका अंदर का टेक्सचर, बच्चे इस तरह के परांठे बहुत ही खाना पसंद करते हैं। तो है ना कितनी अच्छी रेसिपी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी, क्योंकि ये एक तरह से वेट लॉस रेसिपी भी है, तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।